नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है, आज की कहानी क्या कहती है? तो चलिए सुनते हैं कहानी तलाक। मानो और रेखा की शादी को 4 साल होने आए थे, पर उन्हें देखकर यही लगता था कि नवविवाहित जोड़ा है। दोनों अपनी जिंदगी खुलकर जीते थे और एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान में कोई कमी नहीं आने देते। ऐसे आदर्श दंपत के तलाक की खबर हर किसी के लिए धमाके जैसी ही थी। पड़ोसियों के साथ साथ काम वाली, सब्जी वाला, सभी हैरान थे कि इन दोनों में ऐसा क्या हुआ जो तलाक की नौबत आ गई। सभी जानना चाहते थे कि हुआ क्या है, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई उनके घर जाकर सवाल करने की। आज जब पास की दुकान में रेखा सामान लेने गई तो उसे वहां सीमा मिल गई। सीमा और रेखा ना सिर्फ पड़ोसी थे बल्कि सुख दुख के साथी भी थे, पर अब तक रेखा ने उसे अपने तलाक के बारे में कुछ ना कहा, ना अपना कोई दुख साझा किया था। इसलिए सीमा थोड़ी झिझकते हुए रेखा से बोली, सब ठीक है ना रेखा? हाँ भाभी, अब तक तो सब अच्छा है, आगे का पता नहीं, या कहकर रेखा हंसने लगी। सामान लेने के बाद दोनों साथ ही दुकान से निकले और घर की तरफ चल दिए। हालांकि सीमा के मन में बहुत से सवाल थे, पर वो पूछ नहीं पा रही थी। इसी कसमकस में घर आ गया। चलिए भाभी, मैं खाना बनाने में लगती हूँ, बाद में मिलते हैं हम लोग, बहुत दिन हो गए हमने बैठकर गप्पे नहीं मारी। रेखा ने अपने घर का मुख्य द्वार खोलते हुए सीमा से विदा ली। सीमा से अब रहा नहीं गया और वो बोल ही पड़ी, बाद में कब मिलोगी रेखा? अब तो शायद तुम यहाँ रहोगी भी नहीं ना। मुख्य द्वार खोलते खोलते रेखा के हाथ वहीं रुक गए और वो सीमा की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, भाभी मैं कहाँ जाऊंगी अपना घर छोड़कर? और बाद में मिलने का इसलिए बोला मैंने क्योंकि मानो के कुछ दोस्त को आज आना है रात के खाने पे, तो उसकी तैयारियां करनी है मुझे। और आपको तो पता है ना, जब हमारी बातें शुरू होती है तो समय का पता नहीं चलता। सीमा के चेहरे पर भी हैरानी साफ दिख रही थी और वो भी बोल ही पड़ी, जिस पद से तलाक लेने वाली हो उसके दोस्तों के लिए इतना परेशान क्यों होना है तुम्हें? तलाक? मैं किससे तलाक लेने वाली हूँ? रेखा ने असमंजस भरी निगाहों से सीमा को देखते हुए पूछा। सीमा, अरे मानो से ही तलाक लोगी, और किससे? रेखा, और ये आपसे किसने कहा कि मेरा और मानो का तलाक होने वाला है? सीमा, सारे मोहल्ले को पता है, यहाँ तक कि सब्जी वाला, कपड़े वाला और काम वाली तक को पता है। अब तो रेखा की हैरानी परेशानी में बदल गई थी। उसने सीमा को अंदर आने के लिए कहा, तभी रेखा का फोन बजने लगा। हाँ मानो, बोलो क्या हुआ सुमित को? अच्छा कोई बात नहीं, शनिवार को रखते हैं। वैसे सच पूछूं तो आज का कार्यक्रम स्थगित करके तुमने मेरी बहुत बड़ी सहायता कर दी है। हाँ हाँ सब ठीक है, बस घर आओ, शाम को फिर विस्तार से बताऊंगी कि क्या सहायता की तुमने आज मेरा। चलो ध्यान रखो और मन लगा के काम करो, हंसते हुए रेखा ने कहा और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सीमा समझ गई कि मानो का फोन था, आज रात में दोस्तों का आना कैंसिल हो गया था। खैर उसे क्या लेना देना, उसे तो घर जाना चाहिए। अब सोचते हुए सीमा ने जैसे ही कदम बढ़ाया, रेखा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि भाभी अब तो मैं बिल्कुल खाली हूँ, चलिए पहले मेरे तलाक का मुद्दा सुलझाते हैं। अंदर आकर सबसे पहले रेखा ने फ्रिज में से जूस निकाला और 2 गिलास में डाल कर ले आई। सोफे पे बैठ के सीमा से पूछा कि अब जरा पूरी बात बताओ भाभी कि ये तलाक का क्या माजरा है? सीमा अब इतना तो जान चुकी थी कि तलाक की बात सच नहीं है, पर अब तो उसे भी उत्सुकता थी पूरी बात जानने की। रेखा के पूछने पर वो फौरन बोल पड़ी, अरे वो तीसरे घरवाली आरती है ना, उसी ने कहा था कि रेखा भाभी और मानो भाई साहब तलाक लेने वाले हैं। अब तो रेखा और परेशान हो गई कि आरती को कैसे पता, क्योंकि उसके साथ तो रेखा की ज्यादा बातचीत भी नहीं होती थी। कुछ सोचकर वो उठी और सीमा से बोली, चलो भाभी पता करते हैं कि आखिर मेरा तलाक मोहल्ले में चर्चा का विषय कैसे बन गया। दोनों आरती के घर पहुंची और वहां देखा तो रेखा की दूसरी पड़ोसन सुषमा भी वहीं बैठी हुई थी। अरे सीमा, रेखा यहाँ इस वक्त? आरती ने पूछा। इसके पहले कि रेखा या सीमा कुछ बोलती, सुषमा बोल पड़ी, वैसे रेखा मुझे सुनकर बड़ी हैरानी हुई और दुख भी हुआ तुम्हारे बारे में जब पता चला। देखो अगर तुम चाहो तो हमसे अपनी परेशानी साझा कर सकती हो,
क्या पता कोई समाधान निकल आए और तलाक की नौबत ही ना आए। देखो हम लोग तुमसे उम्र और अनुभव दोनों में बड़े हैं, तो बस इसी अधिकार से पूछ रहे हैं। जब से तुम्हारे तलाक का पता चला हम सब परेशान हैं। मतलब आपको भी पता है हमारे तलाक का? रेखा सोफे पर बैठते हुए बोली। सबको पता है अब तो, सीमा सुषमा और आरती तीनों एक साथ बोल पड़ी। रेखा ने अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि आखिर ये बातें शुरू कहाँ से हुई? देख आरती को तो मैंने बताया और मुझे बेला ने बोला था। रेखा के सवाल पर सुषमा ने जवाब दिया। बेला, सुषमा और रेखा दोनों के घर काम पर आती थी। दरअसल जब रेखा नई नई आई थी मोहल्ले में तो सुषमा ने अपनी कामवाली को भेज दिया था मदद के लिए, और तब से बेला दोनों के घरों में काम कर रही थी। हालांकि सुषमा के घर में वो पूरे दिन रहती थी और उसके बच्चों को भी संभाल लेती थी, पर रेखा के घर सिर्फ सुबह के वक्त जाती थी। एक काम करते हैं, बेला से ही पूछते हैं कि माजरा क्या है, सीमा ने सुझाव दिया और बाकी तीनों भी सहमत थी। चारों चली सुषमा के घर की तरफ बेला से मिलने। घर पहुंचकर सुषमा ने बेला को आवाज लगाई। बेला शायद अंदर बर्तन साफ कर रही थी तो आवाज सुनकर अपने हाथ पोंछते हुए बाहर आई। जी मैम साहब, कहिए। बेला ये बताओ, रेखा और मानव के तलाक की बात तुमने कहाँ सुनी थी? और देखो सच सच बताना, क्योंकि अब मामला बहुत बिगड़ चुका है, सुषमा ने बेला को थोड़ा सा डराने वाले अंदाज में बोला। बेला पहले तो थोड़ी घबराई, फिर धीरे से बोली कि हमने मेम साहब और साहब की बात सुन ली थी कि अब तो डिवोर्स ही समाधान है, इसलिए हमें लगा कि ये दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं। और हमें इतना तो मालूम है कि डिवोर्स का मतलब तलाक होता है। आप सबकी नजरें रेखा की तरफ थी और वो ये सोच रही थी कि आखिर ऐसी बात हुई कब थी। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और वो जोरों से हंसने लगी। सब लोग अब तक नहीं समझ पाए कि आखिर हुआ क्या है। रेखा ने सबको बैठने के लिए कहा और फिर बताना शुरू किया। दरअसल अब शादी को 4 साल हो गए तो हमने अपना परिवार बढ़ाने का फैसला लिया है, पर मेरे शरीर में मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है, तो मुझे लगा कि पता नहीं मैं माँ बनने के लिए शारीरिक रूप से तैयार हूँ या नहीं। तो बस इसी सिलसिले में हम लोग एक महिला चिकित्सक से सलाह भी ले रहे हैं। उन्होंने कुछ विटामिन्स दिए और कहा कि तुम्हें और कोई समस्या नहीं है, बस अच्छा खाना खाओ और सबसे जरूरी है रात की अच्छी नींद लेना। पर साथ ही मानो को अपने दफ्तर में पदोन्नत मिली है जिसकी वजह से उनका काम बढ़ गया है। अब वो घर पर देर रात तक काम करते हैं और उनके लैपटॉप की आवाज से मुझे नींद नहीं आती, इसलिए हम दोनों ने तय किया कि कुछ हफ्तों के लिए हम लोग स्लीप डिवोर्स ले लेते हैं। इसका अर्थ है अलग अलग कमरे में सोना। उस दिन मानो यही कह रहे थे कि अब तो स्लीप डिवोर्स ही समाधान है। बेला ने यह सब सुन लिया होगा और सबको जाकर बता दिया कि हमारा तलाक होने वाला है। हे भगवान, सबने अपना सिर पीट लिया। ये तो वही बात हुई कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, आरती हंसते हुए बोली। इस बात पर सभी हंसने लगे और बेला माफी मांगते हुए अंदर खिसक ली। तभी रेखा सबको चुप कराते हुए बोली, देखो बेला तो पढ़ी लिखी नहीं है, पर तुम सब तो समझदार हो ना, फिर क्यों इस तरह की बात सुनकर बजाय मेरे पास आने के जाकर दूसरों को बताने लगे। इस बात पर सबने रेखा से माफी मांगी और कहा कि हमें डर था कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। तभी सुषमा अंदर जाकर मिठाई लेकर आई और सबको खिलाते हुए बोली कि चलो अब ये खुशी है कि हमारे मोहल्ले के लबर्ड्स अलग नहीं होने वाले, बल्कि वो तो 2 से 3 होने वाले हैं, और इस बात का अब हम सब ध्यान रखेंगे कि सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चलो सब अपने अपने घर चलते हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी तलाक।